हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल कर कैसे करते हैं, और पाइथन में पहला हेलो प्रोग्राम आईडी के यूज करके कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला यूज करके, आईडी की यूज करके कैसे हम कर सकते हैं। तो इस एक सारा काम हमने कर लिया है। अपने कोडिंग करने के लिए हमने यूज़ किया है विजुअल स्टूडियो, यूज नहीं किया हमने उसे डाउनलोड किया है विजुअल स्टूडियो को। तो कोड पाइथन में सबसे पहले अब जो प्रोग्रामिंग हमें करना है वो हमें करना है विजुअल स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सारा एनवायरनमेंट रेडी भी कर चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो को। चलो यहाँ पे है, इसे करते हैं इसको। ये देखिए, इससे पहले हमने विजुअल स्टूडियो का सारा अपना ये सारा कुछ अपना एनवायरनमेंट रेडी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें यहाँ पे फाइल स्टार्ट करके करने से भी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइल स्टार्ट किया ना, ये वाला फाइल, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें सबसे पहले ये टर्मिनल जो है ना, इसको हम किस तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि इस टर्मिनल को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल कैसे बना सकते हैं, हम उसको रन कैसे कर सकते हैं। दो तीन बातें हैं पहले अभी आज जानने के लिए, उसके बाद में जो बेस आराम आराम से मैं आप सभी को सारा इसका यूज बताऊँगा कि कैसे करना है इसको। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पर है। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, ये है मेरा YouTube चैनल। यहाँ पे मेरा सारा कुछ है, मतलब सारा फाइल मेरा यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे है, देखिए तो राजेश ई के अंदर है, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा, यहाँ के ज़रिए टर्मिनल के ज़रिए पहले हमें यहाँ जाके यहाँ आना है, फिर उसके बाद में मुझे पाइथन खोजना है, यहाँ पे प्रोग्राम करना है यहाँ पे, उसके बाद में हम सारा काम यहाँ पे करेंगे। तो आप ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे पहले हम कर चुके थे दोनों, आज हम ये भी कर चुके थे, इससे पहले हम कुछ करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ आना है। सबसे पहले हमें आना है राजेश ई में, देखिए। तो अगर आपको किसी डायरेक्टरी में जाना है, किसी भी डायरेक्टरी में या किसी फोल्डर में जाना है, तो आप जाने के लिए आपको सिंपली सीडी लिखना होता है। सीडी लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, कहाँ पर जाना है हमें, राजेश पे जाना है, लेकिन राजेश नहीं लिखना है, ये कौन सा डायरेक्टरी है, ये ई है, हमें ई में जाना है। तो लिखेंगे सिंपली ई और ए लिख के डबल स्लैश लिख के इंटर कर देंगे। अब देखिए, अब हम हैं ई के अंदर, लेकिन हमें ई के अंदर भी ये क्या है, यूट्यूब चैनल्स नाम क्या है ना, हमें इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाने के लिए सेम वही फिर से वही काम करना है, लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे YouTube अलग है और CHN चैनल अलग है। तो जब दो वर्ड होना, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कोड लगा देंगे, एक कोड जिसे बोला जाता है, उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे YouTube और उसका नाम CHLS चैनल, फिर ये बंद कर देंगे। देखिए अगर दो वर्ड है ना तो इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में इसको इंटर कर दीजिए। अब देखिए आप हैं ई के अंदर, यूट्यूब के अंदर हम पुग गए। अब इसके अंदर एक और नाम है पाइथन, अब फिर से हमें अंदर जाना है, अभी यही सीडी लिखिए, पाइथन के अंदर जाना है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले दो था ना, तो हमने एक ए लगाना पड़ा क्योंकि एक और दो है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक ही है, तो हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब सीरीज सिंपली इंटर कर दीजिए। अब देखिए ई के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर, हमने ई के अंदर हम आ गए। इसके बाद इसके अंदर आ जाने के बाद फिर जाना है प्रोग्राम के अंदर जाना, क्योंकि हमारा फाइल यहाँ पे है और हम अगला फाइल भी यहीं पे बनाना चाहते हैं। तो फिर से वही काम करिए, सीडी प्रोग्राम्स। अब हम फाइनली इसके अंदर पहुँच गए यहाँ पे। तो ऐसे इसी तरीके से आप
अपने किस फाइल के अंदर प्रोग्राम को रखना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आप कहाँ पे अपना फाइल रखना चाहते हैं और किस तरीके से आप अपना चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये वाला क्यूज ऐसे कर रहे हैं कि हम इसके अंदर जा रहे हैं और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है, सीडी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर घुसना, उसके अंदर जाना होता है। चलिए, और दूसरा बात हम दिखाते हैं आपको क्लियर क्या होता है। क्लियर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्लियर का मतलब क्लियर ही कर देना है, इस सबको क्या कर देना, क्लियर कर देना। लेकिन इस जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर ही रहना है, लेकिन इनसे ऊपर जो है ना ये सारा, इसको क्या कर दो, क्लियर कर दो। क्या करते हैं, ये देखो सारा क्लियर कर दिया, सिर्फ इसको छोड़ दिया। तो हम इसके अंदर हैं अब। तो हर बार आप यहाँ पे आके ऐसे फाइल बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आइए, टेस्ट कोड देखिए, यहाँ पे अपना नाम जो आपको होगा, rk.py py लिखने का मतलब क्या होगा, मतलब क्या कि आप पाइथन लिखना चाहते हैं। ओके, ये देखिए पाइथन का फाइल बन गया यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा मतलब इंटरेस्ट नहीं आया इसमें, आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ से वो फाइल बन जाए। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं वही फाइल यहाँ से नहीं, यहाँ पे ना जाके यहीं से बनाता हूँ, क्योंकि इसलिए तो हम ये यूज करते हैं कि हर बार हमें खोजना ना पड़े। एक बार अपने फाइल के अंदर हम हैं तो हम ऑटोमेटिक यहाँ से बना सके ये फाइल। तो फाइल बनाने के लिए आपको सिंपली टच, भाई टच करना नहीं है किसी को, टच लिखना है। टच लिखिए, अपने फाइल का नाम लिखिए जो आपको फाइल बनाना हो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड बनाना है। अगर टच का मतलब हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं, उस फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, लेकिन वो फाइल किस किस्म का है, PHP है कि जावा है कि पाइथन है, तो पाइथन और PY होता है ना। तो इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इधर साइड में आ गया। दोबारा तो करते हैं, एक और टच करिए, अपने उसका नाम लिखिए, जैसे राजेश हो गया या राम हो गया या राज हो गया, .py लिखिए। अब देखिए वहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आते जाता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से हम फाइल बना सकते हैं, क्या लिख के, टच लिख के। तो टच लिख के हम फाइल बनाएंगे, सीडी लिख के हम उसके अंदर घुसेंगे, क्लियर लिख के क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। आगे समझना, बस इतना ही आज सीखते हैं, ज़्यादा नहीं सीखते। तो चलिए क्लियर करता हूँ फिर से। अब इसमें से तीन फाइल है हमारे पास, किसी एक को यूज़ करके मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ। तो किसी एक को यूज़ करने के लिए आप चाहे तो फिर से POD लिख सकते हैं, ऐसे अपने फाइल का नाम raj.py। ये देखिए हम इसके अंदर पहुँच गए, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जो है ना हम आ गए हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि यार थोड़ा अच्छा हो, ऐसे इस तरीके से आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ से काम करते हैं। यहाँ पे आए, ओपन फाइल पे जाइए। अब देखिए उस प्रोग्राम के अंदर फिर से वही काम करना है आपको, यहाँ से जाके आपका फोल्डर जहाँ पे है ना वहाँ पे चूज करिए अपने फोल्डर को। मैं प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ, किसी एक को चूज कर लेता हूँ, इसको सब कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड को। ये देखिए यहाँ पे आ गया। आ जाने के बाद में आप यहाँ पे जो आप लिखेंगे ना वो प्रिंट हो जाए कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखेंगे वो प्रोग्राम होगा इसके अंदर का। तो यहाँ पे चलो एक हम सिंपली पहले जो हम कर चुके हैं प्रिंट, वही काम करते हैं, प्रिंट लिखिए। अब इसके अंदर हम चाहते हैं प्रिंट हो जाए हेलो वर्ल्ड, क्या लगता है आपको प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट कर लेते हैं क्या जाता है हमारा। लेकिन एक कंफर्म प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक कैरेक्टर है, जिसे ABCD जो होता है, ABCD ना, उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो आपको ऐसे लिखना होता है, इससे पहले दो, आगे पीछे क्या होता है, अभी दोनों बीच में लिखना होता है, इसके एक लिखें या दो लिखें, जैसे कि होता है क्या होता है कि ये आप बताऊँ आपको, चाहे ऐसे लिख के लिखें इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, एक ही बात है, इसे बोलते हैं, इसे स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग नहीं बोल सकते, इसको हम कैर बोलते हैं, कैरेक्टर जिसे बोल जाता है। लेकिन हमें इसे अभी एक ही बात है कि थोड़ा सा उसका बाइट का सिर्फ फ़र्क है, आप क्या होगा ये बाइट साइड आप नहीं बताता हूँ, मैं आपको बाद बताऊँगा कि ये बाइट क्या है, इसको क्यों हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, क्यों कब कैरेक्टर यूज़ करते हैं, दोनों में बाइट होता है ना तो लोडिंग लेता है, इसीलिए हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं।
हेलो वर्ल्ड, अब देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। अब इसको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो सिंपली देखिए उसी फाइल के अंदर है तभी हो सकता है। फिर देखिए इसी के अंदर दोनों देखिए सेम है ना, तब जाके हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं पे हैं तो प्रिंट नहीं करवा सकते। तो सिंपली यहाँ पे आइए, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप लिखिए पाइथन। एक बात याद रहे, ए पाइथन उनको लिखना है जिनका कंप्यूटर विंडो में है, जिनका मतलब विंडो है। और जिसका पास विंडो नहीं, जिसके पास विंडो के अलावा जैसे लिनक्स है या iOS है, मैक है, वो लिखेंगे 3। समझ आई ना? जिसके पास मैक या लिनक्स है वो लिखेंगे 3, जिनके पास विंडो है वो लिखेंगे जस्ट पाइथन। पाइथन लिखने के बाद में आप एक स्पेस देंगे इस तरीके से, उसके बाद में अपने फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि इसका इसमें लिख रहे हैं कोड हम ना, देखिए यहाँ ऊपर इस पे कोड लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड पे, तो हम उसका नाम लिखेंगे सेम वही। हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई है, प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग पाइथन। अब सेम वही काम करिए दोबारा से, देखिए अब इसको इंटर कर दीजिए। ये देखिए वी आर लर्निंग पाइथन, यानी कि जो आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं ना वो आप प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली आप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पाइथन लिखेंगे अगर आप विंडो की यूज कर रहे हैं, अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 3। उसके स्पेस देंगे, अपने फाइल का नाम लिखेंगे जो आपका फाइल है हेलो वर्ल्ड और पी वाई, इंटर कर देंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। चलो एक बार फिर से वही यूज कर लेते हैं, क्लियर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ए हो गया, ए बी सी डी जैसे बोला जाता है, ए बी सी डी को बोला जाता है कंप्यूटर भाषा में स्ट्रिंग। अगर आपको ये प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे दोनों को लगा लीजिए। अगर ए प्रिंट नहीं करवाना है हमें, जैसे कि मैं 1 2 प्रिंट करवाना है, जैसे कि 10 प्रिंट करवाना है, तो आप उसे कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब फिर से वही करिए पाइथन हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, तो करिए देखिए 10 आ गया। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 1 + 3 सिंपली कर रहे हैं। अब इसको कंट्रोल यस दबा के सेव करना ना भूलें, ना तो प्रिंट नहीं होगा, फिर वही आ जाएगा। ये देखिए 4 आ गया, यानी कि आप कैलकुलेशन या कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये सब सिंपली हम कैसे टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था कि इस टर्मिनल को कैसे यूज़ करें, इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप आज हमने आपको बहुत छोटा सा बात बताया, छोटा छोटा 2-3 बात, कि पहली बात कि आप सीडी करके अंदर कैसे जाएं, दूसरी बात हम टच करके फाइल कैसे बनाएं, तीसरी बात हम पाइथन लिख के फाइल का नाम लिखें डॉट पी वाई लिख के आप उसको रन कर सकते हैं, चौथी बात क्लियर। हमने इतना ही कहा आज, इसके बाद में जो बाकी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा लेंथ करना अच्छा नहीं होता मुझे लगता है यहाँ तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेट विन गुड बाय। अब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट ही पाइथन PHP और कोर्स।